नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा की हम बात करेंगे। जो एग्जाम जो है कैंसिल होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे गुरु रहमान सर के बारे में, बात करेंगे दिलीप भाई के बारे में। और ओवरऑल जो है अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आके प्रचार कर रहे हैं कि मेरे बुक से इतना क्वेश्चन आ गया, मेरे बुक से इतना क्वेश्चन आ गया। अरे भाई, तो बुक लिखते क्यों हो? क्वेश्चन आने के लिए ही ना लिखते हो? कैसे कोई भी बुक आपने लुसेंट बुक, मतलब एक तरह से गीता रामायण सब है स्टूडेंट्स के लिए। ये बुक देख रहे हैं आप, आपके पास भी होगा। जो भी लड़का तैयारी कर रहा है, चाहे कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक हो या कहीं का भी लड़का हो पूरे भारतवर्ष में, उसके पास जो है ना इस टाइप का बुक, या किसी के पास इंग्लिश मीडियम में होता है या किसी के पास हिंदी मीडियम में, लेकिन होता जरूर है सबके पास। आप दिल्ली में भी जाइएगा, आप राजस्थान में भी जाइएगा, आप छत्तीसगढ़ में भी जाइएगा, आपको ये बुक मिलेगा देखने को। और इस बुक से न जाने हजारों हजार नहीं लाखों में हम बोलेंगे, कोई भी एग्जाम हो आप, मतलब कोई भी एग्जाम हो जो भारतवर्ष में होता है, केवल यूपीएससी को छोड़ करके, कैट मैट लेवल को छोड़ करके, बाकी जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे पीसीएस लेवल का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, इससे लोग दरोगा, एसडीएम, डी एसडीएम तक बने हुए हैं। ठीक है, और ये कभी कभी आप इसका जो पब्लिशर है या कभी इसका राइटर है, कभी इसका मुंह देखे हैं? नहीं देखे होंगे। इसका नाम केवल जो है आप किताब के फर्स्ट पेज पे जो है लिखा हुआ देखते होंगे, लेकिन ये सुनील कुमार सिंह, इनको पर्सनली आप नहीं जानते होंगे। ये कभी जो है अपना पीआर नहीं करवाए हैं या खुद से अपना तारीफ नहीं किए हैं कि हम जो है बुक लिख दिए और इसे सारा बुक आ गया। आप किसी भी सिलेबस को देखिए उठा करके, एग्जाम के सिलेबस को, जब उस सिलेबस है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज अगर फिजिक्स में लाइट पूछेगा तो लाइट का आप कंसेप्ट दे देते हैं, तो चाहे इस बुक से पढ़िए चाहे कोई भी बुक से पढ़िए, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। मेन होता है फैक्ट को याद रखना, स्टूडेंट को मेन होता है उस पूरे कंसेप्ट को याद रखना, जो कि किताब सब कुछ प्रोवाइड कराता है। दुनिया का सबसे रद्दी से भी रद्दी बुक पढ़ के जाइएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है तो क्वेश्चन उसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये दावा करना कि नहीं मेरी ही बुक से आया है, पता नहीं क्या है, तो हमको, और जहाँ तक लगता है जो भी बुक, जो भी आप भी स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, स्टूडेंट भी अगर कल को अगर बुक लिखता है तो उसके भी बुक से ही क्वेश्चन आएगा, बाहर से कुछ आना नहीं है। ठीक है, मेन जो होता है आपको लड़का जो होता है, लड़का जो है फैक्ट को जो याद रखता है, लड़का जो है आपको हर एक कंसेप्ट को याद रखता है। याद रखना, मेमोरी पावर को बढ़ाना, उसमें जो है कंसेप्ट को समझना, ये सबसे बड़ा चीज़ है। ठीक है, आप होंगे बहुत बड़े अपने जगह पे। हाँ, लड़का को मिसलीड नहीं करना, लड़का को एक लाइन में बोल देना लड़कों के पक्ष में, सॉरी लड़कों के लिए एक लाइन भी सही से नहीं बोलना, कि केवल बोल देना कि हाँ कुछ अगर कहीं लीक हुआ है, कुछ लीक क्या होता है भाई, थोड़ा लीक क्या होता है बताओ ना, थोड़ा लीक क्या होता है, लीक मतलब क्या होता है, कितना सीट है, 1275 सीट है, 1275 सीट में थोड़ा क्या होता है, 6 लाख लड़का एग्जाम में अपियर हो रहा है, चलो 6 लाख नहीं, अगर हम इसको 70% भी अगर कर लेते हैं, 46.5 लाख लड़का जो है अपियर हो रहा है, 4.5 लाख लड़का में 1% हम माने कि 2% माने, बोलो 1% माने कि 2% माने, 1% भी अगर हम मानते हैं 4.5 लाख में, तो 4,500 लड़का के पास अगर क्वेश्चन जाएगा, सीट कितना है, 1275 सीट है। ठीक है, तो ये बोलना कि हाँ कुछ जो है थोड़ा सा लीक हुआ है, भाई कहाँ से ये सब लाते हो, लड़कों को जो है मिसलीड कर रहे हो। और हाँ, किताब जहाँ तक बात है ना, वो इतना मोटा ग्रंथ में, इतना मोटा किताब में, इतना मोटा को याद रखना, इतने मोटे किताब को जो है वो सबसे बड़ा चीज़, वो जो है ना किताब में लिखा हुआ बड़ा चीज़ नहीं होता है, उसको इसमें रखना बड़ा चीज़ होता है। अपने से देखो, पढ़ाना एक आर्ट है, आर्ट, लेकिन स्टूडेंट जब है तो हर विषय को पढ़ना होता है, हर चीज़ को पढ़ना होता है, हर कंसेप्ट को याद रखना होता है, ये बड़ा चीज़ है। एग्जाम निकालना बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे कोई भी एग्जाम, तो इसलिए मैं किसी के ऊपर ना एलिगेशन लगा रहा हूँ ना आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन ये लड़कों को समझना है कि कौन मेरे लिए जो है खड़ा होता है, कौन मेरे लिए बोलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन लोगों को
बताइए गुरु रहमान सर, जो 65 से 70 साल के बीच के एज के हैं और वे जो हैं लड़कों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, सर आपको नमन है, आपको प्रणाम है। बच्चों से हम यही गुजारिश करेंगे कि ये वीडियो को अपने दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि ये वीडियो को उनके पास ज़रूर भेजना। बिना निस्वार्थ भावना से वो आदमी जो है सड़क पर ठंड में उतरता है, जो जो लड़कों के दुख को, लड़कों के दर्द को, लड़कों के जज्बात, लड़कों के जो अंदर का जो एहसास है और जो दर्द है, जो बेरोजगारी का दंश है, उसको समझता है। दिलीप भाई है, कोई कुछ भी कहे, बहुत सारे लोग जो है, हमको पता है कि इसमें कुछ लोग जो है निगेटिव जो हो जाते हैं, किसी के प्रति ज़्यादा अंधभक्ति करते हैं। भाई उसके मैनुपुलेशन लेवल को समझो, कैसे तुमको मैनुपुलेट करता है, उसका मैनुपुलेशन जो लेवल है बहुत ऊंचा लेवल का है। आपको शायद हो सकता है बहुत सारे लड़कों को ये चीज़ समझ में नहीं आता होगा, ठीक है। कोई भी दुनिया का बुक उठा लो, सब में से आता है। रद्दी से रद्दी तुम किताब पढ़ो, उसको 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, देखो नहीं अगर टकराता है तो कहना। लेकिन कि नहीं सिर्फ मेरे ही बुक से आया है, आप मानते हैं कि आप उनको भगवान बना लिए हुए हैं, लेकिन यार इंसान है, और मतलब एक तो इंसान ही है वो भी, और दूसरा चीज़ है कि इतना भी किसी के अंधभक्त नहीं बनो, अपना दिमाग जो है यूज करो, ठीक है ना। दूसरा चीज़ है कि भाई दरोगा का जो एग्ज़ाम है, उसके ऊपर बोलना चाहता हूँ। दरोगा का एग्ज़ाम में जो है चोरी हुआ है, चाहे एक लड़का के पास जाए, चाहे 1 लाख के पास जाए, चाहे 1 करोड़ लड़का के पास, चोरी मतलब चोरी होता है, करप्शन मतलब करप्शन होता है, वो कैंसिल होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक है। अब ये ना कोई बोले कि थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा क्या होता है भाई, होना चाहिए कैंसिल तो होना चाहिए, और सबको जो है इकट्ठा होना चाहिए, सब लड़कों को जो है ना सड़क पे आना चाहिए, जैसे गुरु रहमान है, दिलीप भाई है, या और भी कोई जो टीचर्स हैं अभी जो है भाई, उनका खेल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे उनका खेल जो है प्रचार करना था सिर्फ। वो आपके लिए वीडियो नहीं बनाए थे, जो आप सोच रहे होंगे, लड़का जो लड़का लोग सोच रहा होगा कि नहीं मेरे लिए, मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया है, वो वीडियो अपने लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए दोस्त इस चीज़ को समझने में देर ना करें, और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, और ठीक है दोस्तों हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप अपनी बेरोज़गारी के, आप अपने जो बेरोज़गारी का जो दंश है वो आप झेल रहे हैं। सबसे बड़ा जो दुनिया में दर्द होता है ना, वो बेरोज़गार होना होता है सबसे बड़ा, ठीक है। देखिए हम लोग भी पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं, तो हमको पता है कि क्या सब चलता है, ये सब क्या चीज़ है, सो थोड़ा बहुत जो है आइडिया होता है हर चीज़ का। हम लोग एग्ज़ाम भी देते हैं, एग्ज़ाम निकालते भी हैं, फेल भी होते हैं, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम निकालना इतना आसान चीज़ नहीं होता है, पढ़ाना एक अलग चीज़ है। पढ़ाना मतलब जो पढ़ा रहा है वो एक चीज़ को 10 बार जो है रगड़ते रगड़ते ठीक हो जाता है, घंसते घंसते सही हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो है स्टूडेंट क्या होता है ना कि स्टूडेंट को बहुत सारा कुछ समझ में आता नहीं है, वो धीरे धीरे समझ में आता है जब उसको पता चलता है कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ ये मिसलीडिंग किया जा रहा है, वो सिर्फ प्रचार था भाई। खैर जो भी हो, हम यही कहेंगे कि आप लोग भी जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें धांधली हुआ है, उसमें करप्शन हुआ है, उसको कैंसिल होना चाहिए, और कोई भी आप एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए, सब जगह जो है हर एग्ज़ाम में जो है कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, सिस्टम के द्वारा पहले ही लड़का को सिलेक्ट कर लिया जा रहा है। आप चाहे जितना नंबर ला रहे हैं बाद में, कुछ ही देखिए जो अच्छे लड़के हैं उसमें मुश्किल से 1275 है, इसमें से 400 से 500 अच्छे लड़के जाएंगे। हम इस चीज़ को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जेन्यून लड़के 400 से 500 जाएंगे, लेकिन बाकी के जो 600-700 जो लड़के हैं वो जेन्यून हमको नहीं लगता है कि होता है आज के डेट में। जो लोग सोच रहे हैं ना कि 65% 65 नंबर पे 60 नंबर पे आ जाएगा रिजल्ट, तो भैया गलतफहमी में मत पड़िए, ठीक है। आप देख लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो शेयर कीजिएगा लोगों के पास, तब हो सकता है कि आपको भी कुछ आइडिया लगे इस चीज़ का।
चलिए ठीक है, धन्यवाद।